हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल। ट्रिप एप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये फूड ब्लॉग होने वाला है और इस वीडियो में हम जाने वाले हैं सिंधुदुर्ग किनारा ये रेस्टोरेंट में। ये रेस्टोरेंट 4-5 महीने पहले ही खुला है और आज जो डिश हम ट्राई करने वाले हैं वो है कैप्सा बिरयानी। और ये डिश की साइज इतनी बड़ी है कि ये मुझसे अकेले से तो हो नहीं पाएगी, तो इसके लिए हमारे चैनल पर आज हमें ज्वाइन करने आए हैं ये है आदित्य, ये मेरा भांजा है और ये मुंबई से आया हुआ है और आज हम लोग ट्राई करने वाले हैं कैप्सा बिरयानी। सो चलिए शुरू करते हैं इस व्लॉग को। लेट्स स्टार्ट। कलिंगड़ का सीज़न है, कलिंगड़ की दुकानें आपको काफ़ी दिखेंगी यहाँ पे। ये जो रोड जाती है वो कंकवली स्टेशन रोड है, अपने को इसके आगे निकलना है टुवर्ड्स कुडाल साइड और ये ब्रिज के नीचे ही ये रेस्टोरेंट का लोकेशन है। हेलो यो, ये रेस्टोरेंट पहुंच चुके हैं हम लोग और यहाँ पे काफी अच्छी ग्रैफिटी है। मालवणी का खादा दशावतारी राजा आणि सिंधुदुर्गच्या जेवणाची मजा है का तोड नाही। फोटो सेशन केलं आहे, तव्यावर तळलेली सुरमय आणि सिंधुदुर्गचा नाता अगदी काहीतरी आहे, लपलंय काहीतरी आहे पण ठीक आहे, काहीतरी तो ये रेस्टॉरंट आहे और यहाँ पे आपण जाने वाले और ट्राय करने वाले आज की डिश। आइए सो लेट्स गो। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अभी सिंधुदुर्ग किनारा और ये हमारे सामने जो है वो है उसका मेन्यू कार्ड। और बाहर काफ़ी गर्मी है और अभी एसी लगा तो थोड़ा अच्छा लग रहा है हमें। और क्या एक्साइटेड है बहुत। तो ये इसका मेन्यू कार्ड है और ये देखिए अपन ये मंगाने वाले हैं। पर अभी जस्ट मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बोला कि अभी जो वो सर्विंग है उनका वो थोड़ा चेंज हो गया प्लेटर करने का। तो ये भी इनकी स्पेशलिटी है। ठीक है, जो मेनू बुक है उसमें काफी इंटरेस्टिंग मेनू है। तो मेनू कार्ड हमने देख लिए, काफी अलग अलग टाइप के मेन्यू है। जो पोर्शन साइज देखा है हमने उसके बाद हमें लगता नहीं कि हमें स्टार्टर अलग से मंगाने की जरूरत है। बिल्कुल नहीं, एक बार खा के देखते हैं और उसके बाद अगर फिर भी पेट में जगह बची जिसके चांसेस काफी कम है तो उसके बाद डेजर्ट मंगाएंगे और देखते हैं। पर पहले तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के आपको जो लोकल फूड है मालवानी फूड वो मिलता है, इसके अलावा मुगलाई फूड मिलता है, पंजाबी फूड मिलता है। सो ये जो रेस्टोरेंट है वो 3 महीने पहले ही शुरू हुआ था और मैंने आपको जैसे बताया कि इसका जो पोर्शन क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा आता है तो इस वजह से कोई पार्टनर चाहिए था तो इसके लिए मैं इसके वेट कर रहा था। अभी हमने ऑर्डर दे दिया है कि उसकी प्लेटिंग कैसे होती है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और फिलहाल के लिए हम लोग रेस्टोरेंट में पहले ही आई गेस पूरा रेस्टोरेंट खाली है। हम लोग थोड़े जल्दी आए ताकि आराम से थोड़ा ब्लॉग शूट कर पाए। और एम्बियंस काफी अच्छा है, रेस्टोरेंट काफी तगड़ा है, इनके लाइटिंग्स मीटिंग्स से अब काफी अच्छे है बट कैमरा में शूट नहीं हो पाएगा इसलिए हमने बंद करवाया। एक्चुअली क्या ऊपर थोड़े लाइटिंग्स है इनके ये अगर आप देखोगे तो, पर वो हमने एक्चुअली बंद करवाया क्योंकि दिन के टाइम पे वो थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहे थे मुंह पे और वो कैमरा में अच्छा नहीं लगता इस वजह से। एंड वी आर प्रीटी एक्साइटेड। सो अभी यहाँ पे कैप्सा की प्लेटिंग की जा रही है और इस बड़ी सी थाली में अब ये बिरयानी राइस डाला जा रहा है। अब इसके ऊपर ये चिकन की ग्रेवी डाली जा रही है जो दिखने में बहुत ही शानदार दिख रही है। अब इस पूरी प्लेट को वापस चावल से ढका जा रहा है। ये कॉम्बिनेशन दिखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है। अब इसके गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर बॉइल्ड एग डाले जा रहे हैं।
तो ये जो बॉइल्ड एग्स के कटे हुए टुकड़े हैं वो सजा रहे हैं उसके ऊपर। अब ये साइड से सलाद डाला जा रहा है जो कि टमाटर है, ककड़ी है, प्याज है। अब इसके ऊपर ये फ्राइड किए हुए ऑनियंस डाले जा रहे हैं, साथ ही में गार्निशिंग के लिए धनिया डाला जा रहा है। तो दिखने में बहुत ही कलरफुल दिख रही है। अब इसके ऊपर देसी घी डाला जा रहा है, तो भाई साहब स्वाद तो खूब आने वाला है इसमें। अब ये इसके ऊपर थोड़ा सा रोज़ वाटर डाल रहे हैं ताकि इसकी भी फ्रेगनेंस आए इसमें। और लो जी, हमारी कैप्सा तैयार है, अब हम बाहर वेट करते हैं इसके लिए। तो चलिए, तो गाइस अपनी कैप्सा बिरयानी आ गई है और इसकी प्लेटिंग तो हमने आपको दिखा दी कैसे प्लेटिंग की है इसकी। और इसके साथ में इन्होंने दिया है ये रायता और पापड़। तो इसमें आपको अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें पूरा लेयर राइस का है नीचे, फिर उन्होंने वो ग्रेवी डाली है, ऊपर वापस राइस डाला है, साथ में जो इसकी जो गार्निशिंग है वो ये बॉइल्ड एग डाला है, देन थोड़ा सलाद डाला है और घी डाला और उसके बाद में रोज़ वाटर डाला है। तो एक ऑथेंटिक और फ्लेवरफुल बिरयानी लग रही है ये। खड़े मसाले दिख रहे हैं मुझे इसमें और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। आई होप तू भी होगा। पेट में आग लग गई है। ठीक है, तो हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर श्योर। तो गाइस, हमारे बिरयानी प्लेटर में आ चुकी है और बहुत ही उम्दा जायका आ रहा है इसमें और बहुत ही खड़े मसालों का इस्तेमाल किया गया है, बहुत ही टेस्टी दिखने में दिख रही है और काफ़ी कलरफुल डिश है। सो जस्ट कांट वेट इट। और मैं तो ये चम्मच वम्मच से नहीं खाने में बिलीव करता, क्योंकि बिरयानी तो हाथ से ही खाओगे। तो चलिए टेस्ट करते हैं आज की बिरयानी। बहुत बढ़िया, खतरनाक। बहुत ही गजब स्वाद है, बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनी है। मैं पिछले 2 साल से कनकावली में हूँ और यहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट्स में घूमा हूँ और अलग अलग जगह पर मैंने बिरयानी भी ट्राई की है, पर ऐसे बिरयानी वापस कनकावली में तो नहीं मिलती। बट ऑब्वियस है, मुंबई में मिलती है, नेशनल है, अपना फरान है, बड़े मियाँ है, वहाँ पे आप ऐसे बिरयानी खा सकते हो, पर यहाँ पे कनकावली में स्टिल बेटर, स्टिल वेरी बेटर। यस, बहुत अच्छी बिरयानी है, बहुत ही उमदा, बहुत ही सही मसालों का इस्तेमाल किया गया है। चिकन टेंडर है और साथ में सलाद भी दिया गया है। तो बहुत ही उम्दा बिरयानी है, अगर आप कनकावली में हो या आसपास के एरिया में हो तो। बट ऑब्वियस आपको ये यहाँ पे आके ये बिरयानी एक बार ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। एक खा लेता है। तो ये देखिए, ये चिकन है
और ये जो चिकन का इस्तेमाल इसमें किया है ये सिर्फ डायरेक्ट फ्राई नहीं किया, इसको तंदूर करके किया हुआ है, तो एक तंदूरी चिकन जैसा लग रहा है और बहुत ही टेंडर है और बहुत ही जायकेदार है, बहुत ही सॉफ्ट उमदा और फ्लेवरफुल, बहुत ही स्वाद। काटे चम्मच तो अंग्रेज लेके आए, ये अंग्रेजों का फूड है भी नहीं, ये जिनका फूड है तो वो वैसे ही खाते हैं और ये हिंदुस्तानियों का फूड है तो ये ऐसे ही खाने में मज़ा आया। और जो सर 100% यानी बहुत ही लाजवाब बिरयानी। और जो पार्टनर है मेरा जिसको मैंने ये ब्लॉग को होस्ट करने के लिए बुलाया था, इज बिजी विथ हिज बिरयानी, तो थम्सअप के बिना तो बिरयानी अधूरी होती है, वो अपना थम्सअप आ चुका है। हैशटैग नो स्पॉन्सरशिप, हैशटैग नो स्पॉन्सरशिप। सिंगल टिकट में डबल मज़ा, तो जिसको चिकन तंदूरी पसंद है उसको तंदूरी भी मिल जाती है और बिरयानी तो है ही है। ये टिकट्स गए तेल लेने में हाथ से खराब। सो फाइनली बंदा हाथ से खाना शुरू कर दिया है। आई डोंट थिंक हम लोग ये खत्म कर पाएंगे। शायद खत्म कर सकते हैं, मैं अभी भी ऑन हूँ। फर्स्ट राउंड हमारा ख़त्म हो चुका है, बहुत ही टेस्टी बिरयानी है और सर्व करने के लिए हमने वापस उनको बुलाया है, तो देखते और कितना खा सकते हैं। हो जाएगा, कोशिश करेंगे ये ख़त्म करने की, लेट्स सी। सेकेंड राउंड शुरू, राउंड टू शुरू हो चुका है और इस बंदे को इतनी भी कच्ची नहीं है कि एक बार कैमरा में देख के बोले सॉरी। सो बिजी विद दिस फूड, फूड इज रियली टेस्टी। ये ना आता नहीं, बस 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 राउंड थ्री, तीसरा राउंड चल रहा है, दूसरे का मैं खत्म हूँ और इसीलिए मैंने आपको बोला था कि इस बंदे को स्पेशल ही हमने मंगवाया मुंबई से। दिस गाय कैन ईट चिकन एवरी सिंगल डे, उसको कुछ बोर नहीं होता, मतलब इसको आलू बनाओ वो दूसरे दिन आलू खिलाओ तो ये बोर हो जाएगा, पर इसको अगर चिकन खिलाओ तो सातों दिन अलग अलग चिकन खिलाओ, दिस गाय कैन ईट चिकन एवरी डे। तो मज़ा आया बिरयानी खाते, बहुत टेस्टी बिरयानी थी, मेरा पूरा पेट भर गया और आराम से 3-4 लोग खा सकते हैं इस सर्विंग में, और हम जैसे हो तो सिर्फ 2 या 3 और एक बंदा शायद खा सकता है। सो आई थिंक अभी देखते हैं, तीसरा राउंड ख़त्म होने दें, उसके बाद देखते हैं कि 14 राउंड चलेगा तो फिर क्या हम ये बिरयानी ख़त्म कर पाएंगे। सो ये चैलेंज है हमारे लिए, सो वेट एंड वॉच। बारबेक्यू नेशन वाले परेशान हो गए तुम लोगों देख के ना भाई साहब, टेंथ का इसकी जस्ट 10th के एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और ये दोस्त मिलकर बारबेक्यू नेशन गया था, दिस प्लेस जो अनलिमिटेड फूड सर्व करता है, बूफे सर्व करता है, तो मेरे को उम्मीद नहीं है, बंद हो गया होगा उसका फ्रेंचाइजी। 10 लोग ऐसे है, इसके ऐसे 10 लोग गए थे, 700 रुपये में उसको खा। एक चीज हमने वो रिपीट की है, भगवान ही मालिक है उसका। ऐसे लोगों की वजह से अनलिमिटेड बुफे बंद हो चुका है। मैंने एक मिनी ब्लॉग भी बनाया मेरे इंस्टाग्राम पे, यू कैन चेक आउट, उसका एक मिनी ब्लॉग भी बनाया इन्होंने, तो प्लीज जाके चेकआउट करिए। वो इंस्टाग्राम जैसे पहले मैंने आपको बता दिया है कि इंस्टाग्राम आईडी हमने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। मज़ा आ गया,
आई डोंट थिंक सो राउंड फोर होने वाला है. आई एम ट्राइंग माय बेस्ट दो डोंट डू इट. खाना बहुत ही शानदार था, बहुत ज़ोरदार खाना था, मज़ा आया. और अभी भी इतनी सारी बिरयानी बची हुई है जो हम पैक करके लेंगे. बट ऑब्वियस मैं दो राउंड हो चुके हैं, तीसरा राउंड चल रहा है इधर, पर यह अभी और नहीं लेगा. सो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कि अच्छे अच्छे खाने की जगह कंकावली में कौन सी है. और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमें और कौन से जगह पर जाके व्लॉग बनाने चाहिए. तो हम लोगों को तो खाना हो गया है और थोड़ी बिरयानी बच भी गई, आपने देख ही लिया होगा. और आप सबको ये भी पता होगा कि हर ग्रुप में एक ऐसा बंदा होता है जो नॉनवेज नहीं खाता, और हमारे ग्रुप में भी एक ऐसी बंदी है जो नॉनवेज खाती नहीं है, और उसके वेज ऑर्डर के लिए हम लोग अभी वेट कर रहे हैं. तो ये है हमारी ये मेरी बीवी है प्रीति, जो कैमरा भी संभाल रही थी, और अभी हम लोग इसके वेट कर रहे हैं इसके ऑर्डर का. वेज बिरयानी आ चुकी है, पापड़ भी आप देख रहे होंगे. तो ये साइज के पापड़ मिलते हैं अगर आप कैप्सूल बिरयानी हो रहा है तो बड़ी वाली, और ये साइज के मिलते हैं वेज बिरयानी. वेज बिरयानी तो ये आ गई हमारी वेज बिरयानी, इसके साथ हमें मिला है वेज रायता और पापड़. इसमें बहुत सारी वेजीज है बिरयानी में, पनीर, मटर, बीन्स, गोभी, आलू सब है. तो मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ कि कैसे बनी है. स्पाइसी है, मीडियम स्पाइसी है. केक्स आने के लिए ये साइज थोड़ी होती है. कैप्सूल की कैपेसिटी अलग होती है. तीन तीन राउंड मजाक है क्या बॉस? कैप्सा वालों के साथ आओ तो आपके लिए बेटर ऑप्शन है. राइट, तो आ गया अपना ग्रीन एप्पल. सो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही. आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हमारे वीडियो को लाइक करें, आपके दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग ट्रिप वाइब्स.